लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना काल के बीच देश भर में 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस बीच बैंकिंग से लेकर रेलवे तक के कई नियम बदल गए हैं। 1 जुलाई से ज्यादातर बैंक फिर से बैंक इंचार्ज वसूलना शुरू कर देंगे। वहीं रेलवे में वेटिंग लिस्ट का टिकट नहीं मिल सकेगा, जबकि कई स्पेशल ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। दरअसल 1 जुलाई से आपको वेटिंग लिस्ट का टिकट नहीं मिल सकेगा। रेलवे ने कहा है कि अब लोगों को सिर्फ कंफर्म टिकट दिया जाएगा या फिर RIC टिकट दिया जाएगा। 1 जुलाई से कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। अभी तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन बुधवार से रेलवे ने नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके चलते अब तत्काल टिकट कैंसिल करवाने पर 50% का रिफंड मिल सकेगा। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर रेलवे ने 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनों पर रोक लगा दी। हालांकि रेलवे की ओर से शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जारी रखा है। इस दौरान भारतीय रेलवे की ओर से 230 विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के शुरू होने को लेकर तत्काल बुकिंग सेवा भी शुरू हो गई है। कोरोना के खतरे के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 12 अगस्त तक ट्रेनों के सामान्य संचालन को बंद कर दिया है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों के संचालन को मंजूरी जारी की गई है। ICTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप से भी टिकट बुक करवा सकते हैं।